री मॉन्स्टर का एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें डे 17 का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोबे मारू और वो बुढ़ा मिलकर कुछ फीमेल्स को जला रहे थे क्योंकि उन्होंने पॉइजन खा लिए थे। ये सब देखकर गोबुरो और बुढ़ा भी खुश नहीं होते हैं। फिर हमें डे 26 का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी गॉब्लिंग्स ट्रेनिंग ले रहे थे गोबुरो से। गोमुची और गोबुरो का नजर जाता है एक झुंड पर जो कि हथियार लेकर इनके तरफ ही आ रहे थे। वो दोनों रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन वो बुढ़ा आकर उन्हें रोक देता है और बोलता है ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जिसको सुनकर गोबरो काफी ज्यादा शॉक होता है। बुढ़ा हॉपकिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें लाई थी उनके लिए, यहाँ तक ह्यूमन फीमेल्स भी, जिसे देखकर गोबरो खुश नहीं होता है क्योंकि उसे पता था इन लड़कियों के साथ क्या होगा। और वो डायरेक्ट हॉपकिंग के पास जाकर बोलता है ये जो फीमेल्स है वो उनको लेना चाहता है, जिसे सुनकर हॉपकिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर तुझे ये सब लड़कियां चाहिए तो मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा, अगर तू जीता तो ये सब लड़कियां तेरे। जो ओल्ड गॉब्लिंग्स थे और जो यंग गॉब्लिंग्स थे वो अपने अपने हथियार निकाल देते हैं फाइट करने के लिए क्योंकि उनके ग्रुप के बीच में भी फाइट होने वाला था। वहां पर दो फीमेल गॉब्लिंग्स आती है और बोलती है अगर तुम्हारे अंदर दम है तो दोनों लड़ो, इन ग्रुप के बीच में लड़ाई मत करो और तुम दोनों में से जो जीतेगा वो हब किंग होगा। ये सुनकर वो दोनों ही मान जाते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं वो बंदा नीचे पड़ा होता है क्योंकि गोबुरो ने उसको काफी अच्छे से दिया था। जो बुढ़ा होता है वो बोलता है तुम इस वेपन को कहाँ पर छुपाते हो, गोबुरो बोलता है ये मेरे अंदर से निकलता है, जिसे देखकर वो ओल्डर गॉब्लिंग्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यंग गॉब्लिंग्स काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और वहां पर गोबुरो बोलता है मैं आज से यहाँ का हब किंग हूँ, जिसे सुनकर सभी लोग डरकर हाँ बोल देते हैं, लेकिन ओल्ड जनरेशन खुश नहीं था इस बात से। फिर हम देखते हैं जो गोबरो होता है वो उन फीमेल को रहने के लिए जगह देता है और उन्हें बोलता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और कभी ना कभी तुम अपने घर वापस चले जाओगे। वो लड़कियां बोलती है हम आपको कैसे रिपे करें, गोबरो बोलता है तुम मुझे ह्यूमन के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें बता दो। वो लड़कियां बताती है वो कैसे हंटिंग ग्रुप के एक पार्ट थे लेकिन अभी वो यहाँ पर हैं क्योंकि उन्हें गॉब्लिंग्स ने पकड़ लिया था, जिसे बोलते हुए वो सभी लड़कियां रोने लगती है, जिसे सुनकर गोबरो वहां से चला जाता है। फिर हमें डे 28 का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोबरो उनके लिए खाना लेकर जाता है और वो देखता है वो सभी लड़कियां तंदुरुस्त हो चुकी थी। गोबरो बोलता है मैंने इनके लिए इतना अच्छा खाना इसीलिए बनाया है कि ये लोग काफी जल्दी ठीक हो जाए और उनका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो जाए। गोबरो उन लड़कियों को बोलता है तुम्हारा हॉबी क्या है, एक लड़की बोलती है मैं ब्लैकस्मिथ हूँ और एक लड़की बोलती है मैं कुकिंग करती हूँ और जो तीसरी लड़की थी वो बोलती है मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, फोर्थ वाली बोलती है मैं एक वॉरियर हूँ। फिर हम देखते हैं जो गोबरो होता है वो सभी गॉब्लिंग्स को ट्रेनिंग करवा रहा था और जो उसके बात नहीं मानते थे वो उसे मारता था। डे 31 का सीन देखते हैं जहाँ पर गोमुरो और गोमुची लड़ाई कर रहे थे और सभी उनके लड़ाई को देखकर एंजॉय कर रहे थे। उसी रात गोबरो का नींद खुलता है और उसे महसूस होता है उन लड़कियों को कोई तो परेशान कर रहा है और हम देखते हैं ओ ओल्ड हॉपकिंग का ग्रुप उन लड़कियों को परेशान कर रहा था। तभी हमें फाइटिंग का साउंड सुनाई देता है जिस वजह से वो लड़कियों का नींद भी खुल जाता है और वो देखते हैं गोबुरो उनको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। गोबुरो बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था उन लड़कियों को टच करने के लिए लेकिन तुमने ऐसा हिम्मत कैसे किया। वो ओल्ड किंग हॉप बोलता है हाँ तुम एक गॉब्लिंग होकर इंसानों के ऊपर दया दिखा रहे हो, जिसे सुनकर गोबुरो उसे काफी जोर जोर से मारने लगता है। जो लड़कियां थी वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। गोबुरो बोलता है डरो मत मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा और मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा, जिसे सुनकर वो लड़कियां काफी जोर जोर से रोने लगती है। वहां पर यंग गॉब्लिंग्स आ जाते हैं, गोबरो बोलता है इनको जगा कर बाहर ले जाओ और एक एग्जांपल सेट करो क्योंकि मुझे उन सबको दिखाना है। फिर हम देखते हैं सभी गॉब्लिंग्स एक साथ आ जाते हैं, गोबरो उस ओल्ड हॉप को उल्टा लटका कर काफी जोर जोर से मारता है, जिसे देखकर सभी गॉब्लिंग्स काफी ज्यादा डरने लगते हैं गोबुरो से।
सुबह सुबह तक तो वो ओल्ड हॉपकिंग मरा जा चुका था। डे 32 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हंटिंग में निकले थे। वो सब एक घोड़े को मारने वाले थे, लेकिन उनका हथियार ही उनका साथ छोड़ देता है उस घोड़े के सामने। देखकर घुबरू अपना मैजिक यूज कर उसे चारों तरफ से बांध लेता है और दोनों गोमूची और घुबरू मिलकर उस हॉर्स को मार देते हैं। जब गोमुरो उसे खाता है उसे नया एबिलिटी मिलता है। उसका एबिलिटी ये था कि वो जिसको भी स्क्वाड के मदद से एक बार हमले करेगा उसके ऊपर 3 बार हमले होंगे। गोबुरो जब सो रहा था वहां पर रेड बाल वाली लड़की आकर उसके बगल में सो जाती है। गोबुरो सोचता है शायद ये बहुत डर गई होगी। फिर हम डे 33 का सीन देखते हैं। जब मॉर्निंग में गोबरू उठता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके पास उस लड़की के बजाय और कोई भी सोई थी जिसका नाम है गोबूमी। फिर हम देखते हैं एक लड़की थी जो इवॉल्व हो चुकी थी और सभी गोब्लिन के साथ मिलकर काम कर रही थी। गोबरू उन सभी टीम के बारे में बताता हैवी वॉरियर्स जिसका कैप्टन है गोबूची। दूसरा आता है लॉन्ग रिन यूनिट जिसका हेड है गोबूमी। और उसके बाद आता है लाइट वॉरियर जिसका टीम का लीडर है हबजैटो। और उसके बाद आते हैं सपोर्ट यूनिट जो कि हमारे लिए काम करते हैं जिनका लीडर है गोबी। फिर आती है हॉबसाइन जिसका लीडर है मिच यूनिट जिसको वो कैप्टन बनाना चाहता है क्योंकि उससे अच्छा यहाँ पर और कोई नहीं है क्योंकि वो हमेशा बैठ कर मैजिक के बारे में पढ़ती है। और वो बोलता है मैं सभी कैप्टन को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुका हूँ और अब बारी है मेरा। और वो निकल जाता है हंटिंग करने के लिए और वो अपना पावर यूज कर एक हॉर्स को मार देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक होता है और सोचता है मुझे अपनी मैजिक के ऊपर कंट्रोल करना ही होगा। फिर वो नॉर्थ फॉरेस्ट के तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसने सुना था यहाँ पर एक रेड भालू रहता है और उसे याद आता है उस बुढ़े ने बोला था वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। फिर वो खून देखता है वो एक हॉर्स का होता है जिसको कि मारने में उनके टीम को काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। तभी वहाँ पर वो रेड बियर आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसके दिमाग में यही बात चल रहा था कि इसे मार दो और इसे खा लो। गोबुरो अपना मैजिक यूज कर उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन तभी सीन कॉट होकर हमें बाकी गॉब्लिंस का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी गॉब्लिंस ये बोल रहे थे कि गोबुरो है कहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम गोबुरो को देखते हैं जिसका हमला उस भालू का एक हाथ को काट दिया था जिसे देखकर गोबुरो काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उस भालू ने अपना राइट हैंड खो दिया। तभी वो बियर उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन गोबुरो उस हमले को डॉच कर लेता है। गोबुरो डायरेक्ट जाकर उसके सर के ऊपर हमला करता है वेपन से लेकिन उस बियर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो भालू गोबुरो को मारता है और गोबुरो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी गोमुरो अपना मैजिक यूज कर उसे बांध लेता है लेकिन वो भालू छूट जाता है। तभी अचानक से वो अपनी मुंह से आग का गोला फेंकने लगता है जो 2000 सेल्सियस का था जिसे देखकर गोबुरो काफी ज्यादा घबरा जाता है और आसपास सिर्फ आग लगा हुआ था जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक होता है। जो गोबुरो होता है वो अपनी चोट को हील कर लेता है। फिर जो भालू था वो वहां से जाने लगता है लेकिन गोबुरो उसे जाने नहीं देता है और वो अपनी मैजिक यूज कर फायर को उससे दूर रखता है और डायरेक्ट जाकर उस भालू के ऊपर अटैक कर देता है। जो बियर था वो गोबुरो के ऊपर फायर बॉल फेंकने ही वाला था। गोबुरो अपनी चारों तरफ एक वाटर का शील्ड बना देता है। गोबुरो डायरेक्ट जाकर उस भालू के मुंह में अपना स्वाट डाल देता है। जो भालू था वो अपने पंजे से गोबुरो के ऊपर हमला करता है और गोबुरो बहुत दूर जाकर गिरता है। दोनों की सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। जैसे वो भालू तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, गोबुरो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और उसके मन में यही चल रहा था मैं इसे मारूंगा और खाऊंगा। और गोबुरो उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं गोबुरो का एक हाथ कटकर हवा में उड़ रहा था। फिर
फिर हम डे 34 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग में हम देखते हैं गोबुरो जीत चुका था, लेकिन उस भालू का हाथ गोबुरो के अंदर घुस चुका था, जिसको कि गोबुरो निकाल देता है और खा लेता है, जिसको खाने के बाद उसे नई एबिलिटी मिलती है और उसके पास ये भी ऑप्शन आता है क्या वो इवॉल्व होना चाहता है। वो ये दबा देता है। गोबुरो बचे हुए भालू को भी खाने लगता है, जिससे खाने के बाद उसे और भी नई नई एबिलिटीज मिलती है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका जो वेपन था वो काफी ज्यादा छोटा हो चुका है उसके लिए। फिर उसे महसूस होता है वो एक ओगर में इवॉल्व हो चुका है, और वो अपना हाथ देखता है जो कि अभी तक कटा हुआ था। फिर वो अपनी विलेज में जाता है, जिसे देखकर सारी गॉब्लिंग्स डरने लगते हैं और बोलते हैं ये कौन आया, क्या ये हमारे ऊपर हमला करने वाला है, जिसको देखकर गोबुरो काफी ज्यादा जोर से हंसने लगता है। जब उन्हें पता चलता है ये जो ओगर है वो और कोई नहीं गोबुरो है, वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो गोबूमी होती है वो उससे जाकर मारती है, लेकिन उसका ही पेट दर्द करने लगता है। उस बुढ़े को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि गोबुरो इतनी जल्दी इवॉल्व हो गया। जब उन्हें पता चलता है गोबुरो ने नॉर्थ फॉरेस्ट का रेड बियर को मार दिया है, जिसे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन अभी तक गोगुमी उसे डांट ही रही थी, कैसे तुम मुझे ना बोलकर कहीं पर भी जा सकते हो, क्योंकि वो किसी को भी नहीं बता कर गया था कि वो वहां पर जा रहा है, इसीलिए सारे लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। और यहीं पर ये शानदार वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। बाय बाय गाइस।